स्वागत है आप सबका ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल में। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और इस वीडियो में हम साइंस के पेपर को कम्प्लीट सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द एनर्जी कन्वर्जन दैट टेक्स प्लेस इन अ हाइड्रो पावर प्लांट। सो इन अ हाइड्रो पावर प्लांट फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन वाटर एंड देन पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपको स्टेप्स लिखने थे। सेकेंड, ए मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट consisted of breeding pea plant bearing violet flowers with pea plant bearing white flowers. What will be the result in F1 progeny? So here 1 mark का question है, तो आपको इसको बिल्कुल short में लिखना है। BB capital BB is for blue and small WW you can write for white and in F1 progeny all the plants that will be blue. Next क्वेश्चन नंबर 3rd ए पार्ट, नेम 1 गस्टेटरी रिसेप्टर एंड 1 ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। सो 1 गस्टेटरी रिसेप्टर विल बी टंग एंड ऑल्फैक्टरी विल बी नोज। राइट ए एंड बी इन द गिवन फ्लो चार्ट ऑफ न्यूरॉन थ्रू विच इन्फॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। सो फ्रॉम डेंड्राइट इन्फॉर्मेशन विल गो टू साइटोन, ए विल बी साइटन एंड बी विल बी एक्सॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ द इमेज इन फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश, वट टाइप ऑफ मिरर इज इट, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर एंड हेयर द मिरर विल बी कन्वेक्स मिरर एंड यू कैन ड्रॉ द डायग्राम एंड द इमेज दैट विल बी ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग विद एक्सेस कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन गिव्स एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सो इट विल बी एक्स कंपाउंड ऑल्सो रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू इवॉल्व अ कलरलेस गैस जेड, आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड। येस, दिस इज द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड इट विल फॉर्म इथीन। सो एक्स विल बी इथेनॉल, वाई विल बी इथीन एंड जेड विल बी hydrogen gas. And here the role for concentrated sulfuric acid that it act as a dehydrating agent, it help in removal of water in the formation of ethene. Next question number 6 is state the laws of refraction of light and explain the term absolute refractive index of a medium and write an expression to relate it with the speed of light in vacuum. 3 marks के लिए क्वेश्चन है ये। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देर आर 2 लॉज, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एंड सेकेंड लॉ दैट इज स्नेल्स लॉ, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड हेयर द साइन आई अपॉन साइन आर विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज द सेकेंड लॉ। And absolute refractive index, that will be the ratio of the speed of light in vacuum to the speed of light in the medium. So, N will be equal to C by V. Next, second part is, what is meant by power of a lens, that is diverging and converging capacity of a lens, that will be the power and its unit will be diopter. A student uses a lens of focal length 40 cm and another of minus 20 cm. Write the nature and power of each lens. 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है तो लेंस विल बी कन्वेक्स लेंस एंड इन अनदर केस माइनस 20 सेंटीमीटर है तो लेंस विल बी कनकेव लेंस। हेयर यहाँ से आपको पावर निकालनी है। इन फर्स्ट केस पावर दैट विल बी 100/40 एंड दैट विल बी प्लस 2.5 डायोप्टर एंड इन सेकेंड केस 100/20 दैट विल बी माइनस 5 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट 1 मेन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड here the difference is that in a case of asexual only 1 parent is needed and in sexual mode of reproduction there will be 1 male and 1 female and which species is likely to have comparatively better chances of survival, the one reproducing asexually or the one reproducing sexually, give reason to justify your answer. In case of sexually reproducing organism there will be the contribution of 2 parents and they create offspring with unique genetic profiles, so it is beneficial for higher chances of survival,
like disease and environmental challenges. Next question is, show how would you join three resistor, each of resistor resistance 9 ohm, so that the equivalent resistance of the combination is 13.5 ohm and 6 ohm. फर्स्ट केस में आपको यहाँ पर साइड में दिखाई दे रहा है कि इस तरह से हम फर्स्ट केस में रजिस्टर को जोड़ेंगे एंड रजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी दीज टू आर इन पैरेलल एंड सो हेयर द रजिस्टेंस आर पी टोटल विल बी 4.5 ओम. नाउ दिस आर वन रजिस्टर इट इज इन सीरीज विद अदर टू रजिस्टर्स एंड सो हेयर वी विल पुट द फार्मूला आर एस विल बी इक्वल टू आर वन प्लस आर पी एंड टोटल 9 + 4.5 जो हमने पैरेलल में निकाला था 4.5 एंड टोटल रजिस्टेंस हेयर दैट विल बी 13.5 ओम. सेकेंड पार्ट, इन ऑर्डर टू गेट 6 ओम, इस तरह का जो है कनेक्शन इसके अंदर होगा एंड टू रजिस्टर इन सीरीज एंड वन विल बी इन पैरेलल, ए बी बी सी विल बी इन सीरीज एंड सो आर एस टोटल विल बी हेयर आर वन प्लस आर टू दैट इज 18 ओम एंड आर थ्री इज पैरेलल विद टू सो हेयर 1/9 + 1/18 एंड आफ्टर कैलकुलेशन इट विल बी टोटल 6 ओम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. जूल्स लॉ दैट इज एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वेयर आर टी. एच इज आपको ये कंप्लीट जो है रिलेशन लिखना है. एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट इज रेजिस्टेंस एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. सो कंप्लीट रिलेशन विल बी आई स्क्वेयर आर टी. दिस इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. टू लैम्प्स वन रेटेड 100 वॉट 220 वोल्ट एंड द अदर 60 वॉट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई. फाइंड द करंट ड्रॉन बाय टू बल्ब फ्रॉम द लाइन एंड इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट. न्यूमेरिकल है, हेयर पी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर एंड आर विल बी इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय पी. तो आर वन और आर टू दोनों केसेस में आप यहाँ से निकाल लीजिए एंड देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो टोटल आर यहाँ से आपका निकल जाएगा एंड आई विल बी इक्वल टू वी बाय आर एंड सो आंसर विल बी 0.73 एम्पियर. क्वेश्चन नंबर 9 इज नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड स्पेसिफाई वन फंक्शन ऑफ ईच. हेयर फर्स्ट इज थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड दैट विल सिक्रीट द थायरोक्सिन हार्मोन एंड थायरोक्सिन हार्मोन हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म रेट ऑफ फैट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स. Next is pituitary gland and this is the master gland and it will produce growth hormone, TSH, FSH, oxytocin, vasopressin, etc. Mainly it produce growth hormones and it control the secretion of other hormones also. Next question 10. 2 ml of sodium hydroxide solution is added to a few pieces of granulated zinc metal taken in a test tube. When the content are warmed, a gas evolves which is bubbled through a soap solution before testing. So, देखिए इसमें sodium hydroxide react with zinc. There will be the formation of sodium zincate, Na2ZnO2, and hydrogen gas will be evolved here. And hydrogen gas that will pass through the soap solution before testing, it will bubble. And write the equation of chemical equation and test. आपको equation लिखनी है और test लिखना है to detect the gas. तो test will be burning test and this hydrogen gas will burn with a pop sound. Name the gas. Gas is hydrogen and which will be name the gas which will be evolved when the same metal reacts with dilute solution of strong acid. So same metal that is zinc react with sulfuric acid, it will form ZnSO4 plus hydrogen gas. या आप HCl के साथ भी इसकी reaction लिख सकते हो. ZnCl2 plus hydrogen gas will be evolved. Second part of this question, the pH of a salt used to make tasty and crispy pakoras is 14. Identify the salt and write a chemical equation for its formation. List two uses. और यहाँ पर hint है कि it is used in making crispy pakoras. So it will be sodium bicarbonate and identify the salt that will be the sodium bicarbonate and chemical reaction for its formation. So it will form from NaCl plus ammonia plus carbon dioxide gas plus water. There will be the formation of sodium bicarbonate plus ammonium chloride and its two uses. It help in preparing baking powder. It will act as antacid in medicines. And third use is it help in the manufacture of soda water. तो कोई भी two uses आप यहाँ पर लिख सकते थे. Question number 11 A part, why are most carbon compounds poor conductors of electricity?
as the carbon compounds, they formed by covalent bonding, and in covalent bonding there will be no free electrons, all the electrons that get shared, and so due to the absence of free electrons they will be the poor conductor of electricity. Next, write the name and structure of a saturated compound in which the carbon atoms are arranged in a ring. तो ring में आप यहाँ पर cyclopentane और cyclohexane का example दे सकते थे, and give the number of single bonds present in this compound. तो first cyclopentane there will be total 15 bonds, and in cyclohexane there will be total 18 bonds. तो इसमें single bonds, जितने भी single bonds हैं सबके बारे में पूछा गया है, तो carbon carbon के बीच में भी और carbon hydrogen के बीच में जितने भी total bonds हैं उनकी जो है number यहाँ पर answer में आएगा. Next, decomposition reaction require energy either in the form of heat or light or electricity for breaking down the reactants. Write one equation each for decomposition reaction, and where energy is supplied in the form of heat, light and electricity. ये क्वेश्चन भी कल ही हमने रिवाइज किया था. इन द फॉर्म ऑफ हीट देयर विल बी द डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट और लेड नाइट्रेट, कोई भी एग्जांपल आप यहाँ पर दे सकते हो. लाइट के केस में देयर विल बी द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, एंड इन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन देयर विल बी द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो तीनों रिएक्शन आपको यहाँ पर लिखनी थी, वन मार्क फॉर ईच रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज अ डैम and why do we seek to build large dams? While building large dams, which three main problems should particularly be addressed to maintain peace among local people? Mention them. So what is a dam here? Dam is a barrier that stops flow of water. And here, why we build large dams? The majority of large dams, they are built for irrigation, hydropower, flood control, and this hydroelectricity which produced from these dams is cheap to produce once dams are built. यानी एक बार डैम बनने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ही चीप हो जाती है. सो वी सीक टू बिल्ड लार्ज डैम्स, एंड देयर विल बी द प्रॉब्लम्स लाइक सोशल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. तो ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना था. नेक्स्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इज, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट टू मेजर्स टू मैनेज द गार्बेज वी प्रोड्यूस. तो यहीं से आपको आंसर लिखना था दैट फर्स्ट दे अराइव टू मेन पॉइंट्स, वन इज सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ द गार्बेज एंड सेकंड इज लेस गार्बेज, जनरेट लेस गार्बेज एट इंडिविजुअल लेवल. बी पार्ट इज एज एन इंडिविजुअल व्हाट कैन वी डू टू जनरेट लीस्ट गार्बेज, गिव टू पॉइंट्स. सो वी यूज 4RS फार्मूला हेयर एंड वी कैन यूज पेपर एंड जूट बैग्स एंड जो भी आप कर सकते हो एट योर लेवल, वो आपको यहाँ पर पॉइंट्स देने थे. एंड सी पार्ट इज लिस्ट द टू वैल्यूज द टीचर इंस्टॉल इन हिज स्टूडेंट्स इन दिस एपिसोड. सो हेयर द वैल्यूज विल बी केयर फॉर एनवायरमेंट, साइंटिफिक अवेयरनेस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, हाइजीनिक हैबिट्स. तो इस तरह की हैबिट्स जो है वैल्यूज आप यहाँ पर लिख सकते हो. 15 इज लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इन द शेप ऑफ अ डिपेंड्स. सो द फैक्टर आर हेयर लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटीरियल, टेम्परेचर. तो ये फैक्टर आपको यहाँ पर देने हैं. एंड बी पार्ट इज वाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज ग्लास इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गिव रीजन. एज इन केस ऑफ मेटल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एंड सो ड्यू टू दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम. वेयर एज ग्लास इज बैड कंडक्टर एज देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स दे आर बाउंडेड बाय द नेबरिंग एटम्स एंड सो देयर विल बी द नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. थर्ड क्वेश्चन इज वाई आर अलॉयज कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज एज द रेजिस्टिविटी ऑफ द अलॉयज इज हायर देन दैट ऑफ इट्स मेटल्स एंड अलॉय डू नॉट बर्न रेडिली एट हाई टेम्परेचर एंड देयर फोर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेज लाइक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, दे आर मेड अप ऑफ अलॉय रेदर देन द प्योर मेटल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ए पार्ट इज स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इफ़ यू स्ट्रेच द थम, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड देन द थम इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स. फर्स्ट फिंगर इट विल शो मैग्नेटिक फील्ड एंड सेंट्रल फिंगर इट विल पॉइंट टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट. दिस विल बी द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. नेक्स्ट राइट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर. सो आपको यहाँ पर केवल प्रिंसिपल देना है. सो इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर
placed perpendicular to the magnetic field, it will experience a force. Next is, explain the function of the following parts of an electric motor. तो motor के अंदर armature, brushes और split ring, इनका function बताना है. So armature is a single loop of an insulated copper wire in the form of a rectangle, जिसको आप ABCD से show करते हो. So यहाँ पर आपको armature का function explain करना है, that they are the two equal and opposite force acting at different position of the armature, they will constitute a couple, and this couple rotate the coil in clockwise direction until the coil is in the vertical position. तो complete आपको ये जो है यहाँ पर इसका function जो है explain करना था. And second function for brushes, that brushes B1 B2 आप लेते हो, and these brushes act as the contact between the commutator and the terminal of the battery. Next, split rings. These are the two halves of a metallic ring, and these two ends of armature coil, they are connected to these two halves of the ring, and commutator reverse the direction of the current in the armature coil. So it help in the reverse the direction of the current. So यहाँ पर ये एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है, आर्मेचर फंक्शन ऑफ आर्मेचर ब्रशेज एंड स्प्लिट रिंग्स. तो वन वन मार्क्स के लिए आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना था. क्वेश्चन नंबर 17 ए पार्ट, राइट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज ओवरी, ओविडक्ट एंड यूटरस. फर्स्ट फंक्शन ऑफ ओवरी इज सो प्रोडक्शन ऑफ फीमेल हार्मोन ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन एंड प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमीट और एग. तो आप यहाँ पर कोई भी एक फंक्शन दे सकते थे. नेक्स्ट इज ओविडक्ट, दैट इज ट्रांसफर ऑफ फीमेल गैमीट फ्रॉम द ओवरी एंड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, दीज आर द टू फंक्शन. एंड इन केस ऑफ यूटरस, दैट इम्प्लांटेशन ऑफ जायगोट और एम्ब्रियो एंड नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, इट विल प्रोवाइड बाय द यूटरस. Describe in brief the structure and function of placenta. So placenta, that is a special disc-like structure which is embedded in the mother's uterine wall and connected to the embryo. And it help in the exchange of nutrients, oxygen and waste products between the embryo and the mother. Next, question number 18 is, write the steps involved in the extraction of pure metals in the middle of the activity series from their carbonate ores. So carbonate ores hain, so there will be the calcination process here. Carbonate ores, after calcination they will convert it into the oxides of metal, and after reduction there will be the formation of metal, and after that impure metal that will purify by the electrolytic refining process. And B part is, how is copper extracted from its sulfide ore. So copper sulfide, after roasting process it will get converted into the copper oxide, and copper oxide after reduction with carbon it will form copper plus carbon monoxide. And draw label diagram for the electrolytic refining of copper. तो आपको यहाँ पर complete diagram draw करना है, और complete process जो है copper के लिए वो आपको यहाँ पर देना था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 ए पार्ट, मेंशन एनी टू कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. सो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, दैट विल बी प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ब्लड प्लेटलेट्स. तो कोई भी टू कंपोनेंट्स आप लिख सकते हो. नेक्स्ट, ट्रेस द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी. तो देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे फ्लो करता है. फर्स्ट लेफ्ट एट्रियम, इट विल रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स बाय पल्मोनरी वेन, एंड आफ्टर दैट it will go from left atrium to left ventricle and from left ventricle to all body organs by aorta. तो ये step by step आपको ये process इसमें लिखना था. Write the function of walls present in between atria and ventricles. So जो walls लगे होते हैं, they will allow the blood flow from the atrium into the ventricles and blood will not go back. नेक्स्ट, राइट वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ आर्टरी एंड वेन्स. सो देखिए आर्टरीज, दे आर मेडअप ऑफ थिक वॉल्ड, एंड वेन्स, दे आर मेडअप ऑफ थिन वॉल्ड. नेक्स्ट, डिफाइन एक्सक्रीशन. सो द हार्मफुल मेटाबॉलिक नाइट्रोजिनस वेस्ट जनरेटेड इन द बॉडी, दैट रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, दैट विल बी द एक्सक्रीशन. एंड नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन द किडनी. वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट इज नेफ्रॉन. एंड थर्ड इज, ड्रॉ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग एंड लेबल द फॉलोइंग ऑर्गन्स. सो एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पर ड्रॉ करना था, एंड उसके पार्ट्स लिखने हैं, दैट फॉर्म यूरिन, किडनी, एंड इट्स अ लॉन्ग ट्यूब विच कलेक्ट यूरिन फ्रॉम किडनी, दैट विल बी यूरेटर.
and store urine until it is passed out, that will be urinary bladder. Question number 20 is, the modern periodic table has been evolved through the early attempts of Tobereiner, Newland and Mendeleev. List one advantage and one limitation. आपको एक एडवांटेज और एक लिमिटेशन जो है तीनों की जो है देनी है, डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडेलीव. सो यहाँ पर आप डोबेराइनर में एडवांटेज दे सकते हो दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर अरेंज्ड इनटू ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स कॉल्ड ट्रायड्स. और इसकी लिमिटेशन क्या होगी दैट ही कुड आइडेंटिफाई ओनली थ्री ट्रायड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन. अगर न्यूलैंड की बात करें तो एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड सो द प्रॉपर्टी ऑफ एट्थ एलिमेंट वाज द रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. दैट विल बी द एडवांटेज एंड लिमिटेशन दैट दिस लॉ वर्क्ड वेल विद ओनली लाइटर एलिमेंट्स. एंड इफ यू टॉक अबाउट मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल एंड अचीवमेंट आर दैट सम गैप्स वर लेफ्ट टू अकोमोडेट एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड लेटर एंड लिमिटेशन हेयर दैट ही कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजिशन टू हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को पोजिशन जो है करेक्ट नहीं मिली थी. पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स दैट वॉज नॉट एक्सप्लेन्ड एंड सो यहाँ पर आप कोई भी लिमिटेशन दे सकती हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑल शोड दैट द अटोमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स अटोमिक मास. सो साइंटिस्ट वॉज हेनरी मोजले एंड ही शोड दैट द एनोमलीज इन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स कुड बी रिमूव्ड व्हेन द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर. नेक्स्ट, स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. And according to this law that the properties, it may be physical, chemical, properties of the elements are periodic function of their atomic number. A student is unable to see clearly the words written on the blackboard placed at a distance of approximately 3 meters from him. Name the defect. So here the defect that will be myopia and we can correct it by concave lens. So myopia se related jo bhi diagram the wo sare complete aapko yahan par dene the. और आपको यहाँ पर पॉसिबल कॉज भी देने थे डिफेक्ट के लिए, यानी कंप्लीट जो डिफेक्ट है वो आपको कंप्लीट यहाँ पर एक्सप्लेन करना है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल एंड ड्यू टू रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट द स्टार्स दे ट्विंकल दैट द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन. तो कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करना था. नेक्स्ट इज, राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई. सिंपल क्वेश्चन है, कॉर्निया. कॉर्निया विच इज अ ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन कवरिंग इन द फ्रंट ऑफ द आई एंड थ्रू विच द लाइट एंटर्स. नेक्स्ट इज आयरिस. आयरिस दैट इज द कलर डायफ्राम बिटवीन द कॉर्निया एंड इट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल. एंड नेक्स्ट इज लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस एंड इट हेल्प इन द एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द eye to see the objects. Next is ciliary muscles, and ciliary muscles they also help in adjusting the focal length. If the ciliary muscles they get relaxed, lens become thin and there will be the increase in focal length. And if the muscles they get contract, lens become thick and focal length that will decrease. Next question is, why does the sun appear reddish early in the morning and will this phenomena be observed by an astronaut on the moon? Give reason to justify your answer. So a simple question, at the time of sunrise the position of the sun is very far away from us and the sunlight travels longer distances through the atmosphere of the earth before reaching our eyes. So there will be the scattering of blue light is more and as a result more red light reaches our eyes and so the sunrise that will appear red. Next, will this phenomena be observed by an astronaut on the moon? No, this phenomena was not observed by the astronaut. As astronaut, they will far from the atmosphere of the earth and there will be no scattering of light and sky that will appear dark. Next question, name the process by which an amoeba reproduces. Draw the various stages of its reproduction. So yahan par aapko complete process dena hai. First the nucleus that will divide and after that there will be the division in cytoplasm. Complete aapko diagram draw karna tha. And a student is viewing under a microscope a permanent slide showing various stages of asexual reproduction by budding in yeast. Draw diagram of what he observed in proper sequence. So aapko yahan par budding ke jo yeast ke andar diagram hai aapka प्रैक्टिकल में वो कंप्लीट डायग्राम आपको यहां पर देने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर ओ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. तो देखिए यहाँ पर हाइट गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 4 सेंटीमीटर एंड एफ गिवन है आपको 20 सेंटीमीटर एंड U that is distance of object that is 30 and sign convention यहाँ पर minus में होगा, object की distance हमेशा minus में होगी. and draw a ray diagram to find the position and size of image formed.
सो आपको यहाँ पर डायग्राम भी ड्रॉ करना है। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट जो होगा वो F एंड 2F के बीच में होगा, क्योंकि फोकल लेंथ आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर और आपकी जो इमेज की डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर। सो आपको F और 2F के बीच में यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करना है। एंड यहाँ पर आपको also find the approximate ratio of size of the image to the size of object। तो आपको यहाँ पर h dash भी निकालनी है, उसके लिए complete आपको formula से निकालना पड़ेगा। 1 by f will be equal to 1 by v minus 1 by u का formula लगाना है आपको। यहाँ पर आपकी v निकलेगी 60 centimeter, ठीक है। यहाँ से आप formula लगाइए, h dash by h will be equal to v by u। complete formula solve करने के बाद h dash जो आएगा वो आपका आएगा यहाँ पर minus 8 centimeter and the image that will be enlarged एंड माइनस में है तो इट विल बी इन्वर्टेड हेयर एंड द रेशियो दैट विल बी 2:1 एंड साइज ऑफ इमेज दैट विल बी 8 सेंटीमीटर एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट विल बी 4, सो रेशियो विल बी 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24th इज, ए स्टूडेंट एडेड फ्यू पीसेज ऑफ एल्यूमिनियम मेटल टू टू टेस्ट ट्यूब ए एंड बी टेनिंग एक्वा सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ हर एक्सपेरिमेंट द एडेड ही एडेड आयरन मेटल टू अनदर टेस्ट ट्यूब सी एंड डी। तो देखिए फर्स्ट जो है एल्यूमिनियम मेटल है और ए और बी टेस्ट ट्यूब के अंदर डाली गई है। ए के अंदर आयरन सल्फेट है और कॉपर सल्फेट है। सेकंड आयरन मेटल लिया गया है और सी और डी में डाला गया है, और सी और डी क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। सो इन विच टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब्स द ऑब्जर्व कलर चेंज। तो चेंज किस में होगा, जो भी मेटल ली गई है उससे जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो जो है उनको डिस्प्लेस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल इन फर्स्ट केस एल्यूमिनियम दैट विल एडेड इन iron sulfate, so there will be the change, aluminium sulfate will formed and copper also, aluminium वो जो है ज़्यादा reactive है copper से, तो copper को यहाँ पर displace कर देगा, there will be the formation of aluminium sulfate and copper will be, and in second case also aluminium it will displace the copper from the copper sulfate solution। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में आप आयरन मेटल लिया हुआ है और उसको हम किस में डाल रहे हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट में, तो आयरन वो जो है लेस रिएक्टिव है एल्यूमिनियम सल्फेट से, सो देर विल बी नो एनी चेंज इन दिस टेस्ट ट्यूब। और कॉपर सल्फेट में आयरन दैट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो देर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। सो यहाँ से जो चेंज आया वो आया ए बी और डी टेस्ट ट्यूब में, देर विल बी नो चेंज इन सी टेस्ट ट्यूब्स। एंड विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड वाई, सो हेयर एल्यूमिनियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल देन आयरन एंड देन कॉपर एज इट डिस्प्लेस ऑल द मेटल्स फ्रॉम देयर सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25th इज, वट इज ऑब्जर्व वेन ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इज एडेड टू ए सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। राइट इक्वेशन आफ्टर रिएक्टिंग ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट। कंप्लीट रिएक्शन आपको लिखनी है एंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 26th इज, द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए गिवन रजिस्टर आर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द रजिस्टर आर गिवन। सो आपको वी की वैल्यूज गिवन है, आई की वैल्यूज गिवन है और आपको यहाँ से आर निकालना है। तो ग्राफ ड्रॉ करना है पहले, और यहाँ पर जो आर की वैल्यू निकलेगी कंप्लीट सोल्व करने के बाद इट विल बी 5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इज, लिस्ट द स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टेम्प्रेरी माउंट ऑफ अ लीफ पील टू ऑब्जर्व स्टोमेटा। सो फर्स्ट स्टेप विल बी टेक अ पील ऑफ अ लीफ। आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस देना था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेप इज टेक अ पील ऑफ अ लीफ, सेकंड स्टेन इट विद सेफ्रेनिन एंड थर्ड ट्रांसफर द लीफ टू द स्लाइड एंड रिमूव द एक्सेस स्टेन। नेक्स्ट स्टेप विल बी पुट 1 ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन एंड लास्ट स्टेप पुट अ कवर स्लिप ऑन इट। सो दिस विल बी द कंप्लीट प्रोसेस हियर एंड आई होप यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन दिस क्वेश्चन पेपर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।